25,000 करोड़ रुपया पूरी मीडिया, सोशल मीडिया जितनी ताकत थी पूरी राहुल जी के खिलाफ पिछले 10 साल में मोदी जी ने लगा दी, उसके बावजूद सत्य की जीत हुई और राहुल जी को पूरा देश सर आंखों पे पलकों पे बिठा रहा है। फिर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। साथियों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो व्यक्तियों की लड़ाई है, एक देश को जोड़ना चाहता है प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, और एक देश में बंटवारा चाहता है सत्ता के लिए, भाई से भाई को लड़ाना चाहता है सत्ता के लिए। आप और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में और ताकत दें, जिससे मध्य प्रदेश में पंजे की सरकार बने। आप सब तैयार हैं? एक है जन आक्रोश और एक है जन आशीर्वाद। जन आक्रोश, 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? 4 लाख करोड़ का कर्ज है, जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? 2 लाख बहनें गायब हो गई मध्य प्रदेश से, जन आशीर्वाद है कि जन आक्रोश है? 40 एग्जाम हुए बच्चों के, 40 40 में ही घपले, जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है? किसानों की आत्महत्या में हम नंबर 1, किसान सबसे ज्यादा कर्जदार मध्य प्रदेश में, कर्मचारी आंदोलित, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, हमारे वेतन भोगी कोटवाल सब परेशान, फिर जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद? निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को लेना है। साथियों, लाडली बहना जाती हुई सरकार को याद आई है, जाती हुई सरकार को बहन की याद आई है। मध्य प्रदेश में 8 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ बहने हैं। वोट के लिए 1 करोड़ बहनों को 1,000 देंगे, 18 साल से क्यों नहीं दिए? यह सवाल मध्य प्रदेश की आम जन में है या नहीं है? साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। मध्य प्रदेश में और देश में एक है कांग्रेस पार्टी, जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून राहुल जी लेके आए, हमने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किए, हमने हर वो किसान का श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवल्यूशन सब लेके आए, और दूसरी तरफ है मंदसौर में 6-6 किसानों को गोली मारने वाली है भाजपा और शिवराज की सरकार, मध्य प्रदेश में 1 लाख किसानों पर मुकदमे लगाने वाली शिवराज सरकार, हमारे 700 किसान 3 काले कानून में जिनकी हत्या कर दी इस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि देश समझ चुका है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब के, वंचित के, किसान के, ट्रैक्टर से, फर्नीचर के, हमारे कारोबारी से, ड्राइवर से, हमारे कहां कहां नहीं जाते राहुल गांधी, जरा उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊंचे करो, संकल्प लो कि हम इस बार कांग्रेस की सरकार बना के ही दम लेंगे। दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ सब एक साथ, भारत माता की।